हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ फुटबॉल के इतिहास और मेजरमेंट्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के। दोस्तों, डेली बेसिस से मेरे चैनल पे प्रैक्टिस कराया जा रहा है, दोनों टाइम आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसा कि मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे किसी भी स्टेट का हो, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी, पीजीटी एंड मध्य प्रदेश स्टेट, सभी के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी सेशन, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए हैं और डेली बेसिस में प्रैक्टिस भी करा रही हूँ। तो दोस्तों, जुड़ जाइए मेरे चैनल पे डेली बेसिस से प्रैक्टिस करने के लिए और सभी टॉपिक को थ्योरी में देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सभी चीजों की थ्योरी सेशन आप डिटेल में देखिए। वहां एक बार आप थ्योरी देख लेंगे तो आपको सभी चीजें डाउट क्लियर हो जाएगी, आपको सरल भाषा में वहां पे समझाया गया है। उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे तो आसानी से लगा लेंगे। तो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, फुटबॉल का जन्मदाता देश कौन है? तो फुटबॉल का जन्मदाता है इंग्लैंड। इसके बारे में थोड़ा मैं बता देती हूँ कि फुटबॉल सर्वप्रथम मिस्र में खेला गया हरपाश टीन के नाम से। इसको भी याद रखना जरूरी है। सबसे पहले कहाँ खेला गया? मिस्र में हरपाश टीन के नाम से और चीन में सूचू के नाम से खेला जाता था और असली जन्मदाता इसका हुआ इंग्लैंड। और दोस्तों, यह 12वीं सदी में इंग्लैंड में बहुत ही प्रचलित हो गया था और इंग्लैंड में 12वीं सदी में मंगलवार का दिन महान फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता था। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व की प्रथम प्रतियोगिता फुटबॉल की कब हुई? दोस्तों, यह एफए कप है विश्व की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता जो 1871 में किया गया। नेक्स्ट है, विश्व फुटबॉल संघ फीफा की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में हुआ और इसके मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। प्रथम अध्यक्ष थे सी गुरिन फ्रांस के एंड वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो स्विट्जरलैंड के। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट है, विश्व फुटबॉल संघ फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल संघ फीफा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, तो गुरिन थे, ये फ्रांस के थे। नेक्स्ट है, भारतीय फुटबॉल संघ AIFF इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी भारतीय अखिल भारतीय फुटबॉल संघ। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 23 जून 1937 में शिमला में इसका स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। वर्तमान अध्यक्ष प्रफुल्ल मनोहर पटेल। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में फुटबॉल को कब शामिल किया गया? तो 1908 लंदन में शामिल किया गया ओलंपिक खेलों में फुटबॉल को। एंड बात करें दोस्तों कि भाग एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था? 1951 नई दिल्ली में। जैसा कि कई बार ये पूछा जाता है कि भारत ने, भारतीय फुटबॉल ने ओलंपिक में कब प्रतिभाग किया? तो दोस्तों, भारतीय फुटबॉल जो है प्रथम बार प्रतिभाग किया ओलंपिक में 1948 लंदन ओलंपिक में। उसमें भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे पान बेंगल और भारत की तरफ से मात्र एक गोल किया था सारंग पानी रमन ने और ये फ्रांस से 2-1 से हार गया था। और दूसरी बार भारत ने फुटबॉल में भाग लिया था 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में, जिसके कप्तान थे शैलेश मुन्ना। और तीसरी बार भाग लिया था 1956 मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में और इसमें चौथा स्थान प्राप्त किया था और यह भारत की पहली व आखिरी बार ओलंपिक में चौथा स्थान था। दोस्तों, मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराया था भारत ने, उसके बाद कभी नहीं जीत पाया। और चौथा बार भाग लिया 1960 रोम इटली में, उसमें भारतीय टीम के कप्तान थे पीके बनर्जी, जिनको प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला है फुटबॉल के क्षेत्र में भारत में। और भारत फुटबॉल टीम
क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया चौथा बार 1960 में और भारतीय टीम ने फ्रांस को 1-1 की बराबरी पर रोका। दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि इस ओलंपिक के बाद 1960 के बाद भारतीय फुटबॉल आज तक ओलंपिक के लिए कभी क्वालिफाई नहीं कर पाया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय फुटबॉल ने ओलंपिक में प्रथम बार प्रतिभाग कब किया, तो 1948 लंदन ओलंपिक। और किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल ने चौथा स्थान प्राप्त किया था, तो 1956 मेलबोर्न में। नेक्स्ट है भारतीय फुटबॉल संघ AIFF का मुख्यालय कहां स्थित है, तो यह है कोलकाता में। नेक्स्ट है भारतीय नेक्स्ट फुटबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया, तो 1951 नई दिल्ली में। नेक्स्ट है फुटबॉल की भारत में पहली प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी, तो वह है वर्ल्ड कप 1888 में शिमला में आयोजित किया गया था दोस्तों। और 1888 से लेकर 1940 तक यह शिमला में ही आयोजित होता रहा और 1940 के बाद दिल्ली में आयोजित होता है, यानी कि अब कहाँ है वर्ल्ड कप, वह अब आयोजित किया जाता है दिल्ली में। भारत की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है और विश्व की दूसरे नंबर पर पुरानी है, ठीक है। नेक्स्ट भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है, तो वह है डुरंड कप, जिसकी स्थापना 1888 में शिमला में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों फुटबॉल का प्रथम विश्व कप कब आयोजित किया गया, तो 1930 में फुटबॉल विश्व कप, इसे फीफा विश्व कप भी बोला जाता है, 1930 में 13 जुलाई 1930 उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में आयोजित किया गया था। इसका विजेता भी उरुग्वे ही रहा। जैसा कि दोस्तों फीफा विश्व कप जो है 2022 में दोहा कतर में आयोजित किया गया है और 2023 में आयोजित होगा संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको कनाडा में। कहाँ होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल का प्रथम विश्व कप कहां पे आयोजित किया गया था, तो यह मोंटेविडियो उरुग्वे में, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट फुटबॉल विश्व कप को पहले किस नाम से पुकारा जाता था, तो जूलियस रिमेट ट्रॉफी के नाम से पहले पुकारा जाता था। नेक्स्ट फुटबॉल का प्रथम अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया दोस्तों, तो पीके बनर्जी को दिया गया 1961 में, ठीक है। नेक्स्ट है फुटबॉल में सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया, तो सैयद नईमुद्दीन को दिया गया 1990 में, ठीक है। नेक्स्ट है फुटबॉल की पुरुष प्रतियोगिता का नाम क्या है, तो संतोष ट्रॉफी है। नेक्स्ट है जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल ट्रॉफी का क्या नाम है, तो डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी। बहुत बार पूछा जाता है संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी किससे संबंधित है, वर्ल्ड कप किससे संबंधित है, तो ये सब आपको इम्पोर्टेंट है। फुटबॉल से तो हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, फुटबॉल वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट दोस्तों राष्ट्रीय सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का नाम है मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल ट्रॉफी का क्या नाम है, तो सुब्रतो कप। नेक्स्ट राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का क्या नाम है, तो बेगम हजरत महल ट्रॉफी। नेक्स्ट है भारत के फुटबॉल के स्टेडियम का क्या नाम है, तो वह नाम है सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में, अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली में है। नेक्स्ट दोस्तों फुटबॉल के मैदान की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 100 से 130 गज है, यानी यार्ड है, और इसको मीटर में पूछेगा तो हो जाएगा 90 से 120 मीटर। नेक्स्ट है फुटबॉल के मैदान की चौड़ाई कितनी है दोस्तों, तो 50 से 100 गज यानी यार्ड में है, और मीटर में पूछेगा तो 45 से 90 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट फुटबॉल के मैदान के लाइन की मोटाई कितनी होती है, तो 5 इंच होती है, 5 इंच यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। दोस्तों सभी ग्राउंडों में खेलों की बात करें, सबसे मोटा लाइन आपका होता है,
फुटबॉल का ही 12.5 सेंटीमीटर यानी 5 इंच, उसके बाद हॉकी का होता है 3 इंच यानी 7.5 सेंटीमीटर, उसके बाद सबका 5 सेंटीमीटर ही होता है, सबसे कम होता है आपका बैडमिंटन का 4 सेंटीमीटर। देखिए इसको भी ध्यान रखना आवश्यक है। नेक्स्ट दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मैच में फुटबॉल की फीफा अंतरराष्ट्रीय मैच में फुटबॉल के फील्ड की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो अंतरराष्ट्रीय मैच में जो फुटबॉल का ग्राउंड होता है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 120×80 गज। कितना होता है? 120×80 गज यानी कि मीटर में कहेंगे तो 110×75 मीटर हो जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय मैच में ध्यान रखिएगा 120×80 गज, ऐसे ही नॉर्मली आपका होता है 100×110×130 गज, ठीक है। नेक्स्ट है, फुटबॉल के मध्य वृत्त का अर्धव्यास कितना होता है? तो मध्य वृत्त का अर्धव्यास होता है 10 गज, ठीक है। मध्य वृत्त का अर्धव्यास 10 गज यानी कि इसमें मीटर में पूछेगा तो 9.15 मीटर, आप कन्वर्ट कर लीजिए किसी एक फॉर्म में, आप कर लीजिए या मीटर में या तो गज में। नेक्स्ट है, फुटबॉल का गोल क्षेत्र कितना होता है? कि जो फुटबॉल का गोल क्षेत्र होता है दोस्तों, वह 20×, गोल क्षेत्र जो होता है वह 20×6 गज का होता है। कितना होता है? 20×6 गज यानी इसको मीटर में कहेंगे तो 18.32×5.5 मीटर। नेक्स्ट है, फुटबॉल में पेनाल्टी क्षेत्र कितना होता है? तो पेनाल्टी क्षेत्र 44×18 गज का होता है, ठीक है। इसको मीटर में कहेंगे तो 40.32×16.5 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फुटबॉल में पेनाल्टी आर्क का अर्धव्यास कितना होता है? तो पेनाल्टी आर्क जो ऐसे अर्धवृत्त जैसा बना होता है वो 10 गज का होता है पेनाल्टी आर्क। नेक्स्ट है, फुटबॉल में पेनाल्टी स्पॉट कितनी दूरी पर होता है? तो पेनाल्टी स्पॉट जो होता है 12 गज की दूरी पर यानी 11 मीटर की दूरी पर होता है। नेक्स्ट है, फुटबॉल की गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? तो 8 फीट होता है, 8 फीट गोल पोस्ट की ऊंचाई होता है यानी कि 2.44 मीटर यानी 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होता है। तो आपका मीटर में पूछेगा तो कन्वर्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, फुटबॉल की गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 8 गज होती है, ठीक है। ऊंचाई 8 फीट यानी 2.44 मीटर और चौड़ाई जो है 8 गज यानी कि 7.32 मीटर, ठीक है। फुटबॉल की गोल पोस्ट का व्यास कितना होता है? तो फुटबॉल के गोल पोस्ट का व्यास होता है 5 इंच। फुटबॉल की गेंद का भार कितना होता है दोस्तों? 396 से 454 ग्राम होता है फुटबॉल के गेंद का भार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल की परिधि कितनी होती है? जो डायमीटर होता है वो 68 से 70 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट, फुटबॉल में हवा का दबाव कितना होता है? तो 0.66 से 1.10 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर एट एटमोस्फेयर लेवल, एटमोस्फेरिक लेवल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फुटबॉल के मैदान में लगी झंडों की ऊंचाई कितनी होती है? तो सभी झंडों की ऊंचाई 5 फीट होती है। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे अधिक बार फीफा कप किसने जीता है अभी तक में? तो ब्राजील जीता है। नेक्स्ट दोस्तों, 2010 का गोल्डन बॉल पुरस्कार किसको दिया गया? तो डिएगो फॉरलॉक को, जो उरुग्वे का है, उसको दिया गया था 2010 का गोल्डन बॉल पुरस्कार। तो यहाँ पे आपको अब एग्जाम आएगा तो उसमें 2010 का नहीं पूछेगा, तो 2022 का पूछेगा। तो 2022 में गोल्डन बॉल किसको मिला है दोस्तों? लियोनेल मेसी को मिला है जो अर्जेंटीना के हैं। और गोल्डन बॉल दिया किसको जाता है? जो पूरे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है गोल्डन बॉल पुरस्कार, जो 2022 में लियोनेल मेसी को दिया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, 2010 का गोल्डन बूट पुरस्कार किसको दिया गया था? तो उस समय दिया गया था थॉमस मुलर जो जर्मनी के थे। एंड 2022 में गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया है किलियन एम्बाप्पे को जो फ्रांस के हैं। यह गोल्डन बूट सबसे ज्यादा गोल करने वाले को दिया जाता है, जिसमें से किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल किया है 2022 में दोहा कतर में। एंड लियोनेल मेसी ने 7 गोल किया है, दूसरे स्थान पर लियोनेल मेसी ही है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया गया है लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना में के हो, और सब पूरे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बॉल दिया जाता है। अब गोल्डन बूट दिया गया है 2022 का किलियन एम्बाप्पे को जो फ्रांस के है, 8 गोल किए हैं इन्होंने, सबसे ज्यादा गोल करने वाले को दिया जाता है गोल्डन बूट पुरस्कार।
हमेशा दोस्तों फीफा का ट्रॉफी का भार कितना होता है, तो 6.175 किलोग्राम होता है फीफा कप ट्रॉफी का भार। नेक्स्ट, फीफा कप ट्रॉफी का ऊंचाई कितनी होता है, तो 36 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट, 2010 का फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी किसको दिया गया, तो स्पेन को दिया गया। नेक्स्ट, फीफा का बेस्ट यंग खिलाड़ी का अवार्ड किसको चुना गया था उस समय 2010 में, थॉमस मुलर जर्मनी को। नेक्स्ट, 2014 का फीफा वर्ल्ड कप कहां पे आयोजित किया गया था दोस्तों, तो ब्राजील में। एंड 2010 का फीफा वर्ल्ड कप कहां पे आयोजित किया गया था, तो दक्षिणी अफ्रीका में। 2010 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो स्पेन ने जीता था। किसने जीता था, स्पेन ने। एंड 2022 का कहां पे आयोजित हुआ है दोस्तों, 2022 का भी याद रखिएगा, 2022 दोहा कतर में आयोजित हुआ है। 2023 का आयोजित होगा 26वां फीफा वर्ल्ड कप संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको कनाडा में होगा। ठीक है, तीन देशों में होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको और कनाडा में, पहली बार ऐसा होगा। अब 22वां फीफा कल 2022 आपका दोहा कतर में आयोजित हुआ है। ठीक है, और इसमें विजेता कौन हुआ है दोस्तों, विजेता हुआ है अर्जेंटीना। आप ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है कि 2022 में दोहा कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन है, तो अर्जेंटीना है। कौन है, अर्जेंटीना है। और दोस्तों 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आदर्श वाक्य था एक्सपेक्ट अमेजिंग, यानी कमाल की अपेक्षा करें। और आधिकारिक मैच गेंद का नाम था अल रिहला। ऑफिशियल स्पॉन्सर था बैजूज भारतीय कंपनी। और इनामी राशि दोस्तों विजेता टीम को दिया गया $42 मिलियन, यानी 347 करोड़ रुपए, और उप विजेता को $30 मिलियन, यानी 248 करोड़ रुपए। ठीक है, सर्वाधिक बार जीता है अभी तक में ब्राजील 5 बार, ये भी ध्यान में रखिएगा। और फीफा वर्ल्ड कप में 211 राष्ट्रीय संघ अभी तक में शामिल हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रतियोगिता कब से आयोजित किया गया, तो यह रिपीट हो गया, 1930 में आयोजित किया गया, 13 जुलाई 1930 में फीफा वर्ल्ड कप, और 22 में दोहा कतर में। दोहा कतर 22 का विजेता है अर्जेंटीना। प्रथम फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया गया, तो उरुग्वे में। नेक्स्ट, प्रथम फुटबॉल वर्ल्ड कप का विजेता कौन था, तो उरुग्वे ही था। नेक्स्ट, फीफा का पूरा नाम क्या है, तो फीफा का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है, हिंदी में कहें तो विश्व फुटबॉल संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है AIFF का पूरा नाम क्या है, तो AIFF का पूरा नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF का नाम है, यानी कि हिंदी में कहें तो अखिल भारतीय फुटबॉल संघ। इसकी स्थापना 23 जून 1937 शिमला में हुआ था। हेडक्वार्टर है कोलकाता पश्चिम बंगाल। वर्तमान अध्यक्ष है प्रफुल्ल मनोहर पटेल। नेक्स्ट दोस्तों, फीफा कप किस खेल से संबंधित है, तो फीफा कप जो है वह फुटबॉल से संबंधित है। फीफा कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो अंतरराष्ट्रीय गोल्ड कप जो है वह संबंधित है फुटबॉल से। नेक्स्ट है, IFA शील्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो यह भी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट, फुटबॉल में कुल कितने नियम होते हैं, तो कुल 17 नियम होते हैं। नेक्स्ट है, फुटबॉल खेल की समय अवधि कितनी होती है दोस्तों, 90 मिनट की होती है, 45-45 मिनट के दो हाफ होते हैं, 15 मिनट का मध्यांतर होता है। नेक्स्ट है, मैच के टाई हो जाने पर निर्णय किस आधार पर लिया जाता है, तो टाई हो जाने पर 15-15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। एंड नेक्स्ट है, एक्स्ट्रा टाइम दिए जाने के पश्चात भी टाई बनी रहे तो निर्णय किस आधार पर दिया जाएगा, तो एक्स्ट्रा टाइम जो 15-15 मिनट का दिया जाता है उसके बाद भी टाई हो जाए तो 5-5 मिनट 5-5 पेनाल्टी शूट दिया जाएगा,
दोनों पक्षों को पांच पांच पेनाल्टी शूट दिया जाता है। नेक्स्ट है, अगर पांच पांच पेनाल्टी शूट के पश्चात भी टाई रहे तो निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा, तब सडन डेथ दिया जाता है। तब क्या दिया जाता है? सडन डेथ दिया जाता है। फुटबॉल के मैच में कितने खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं दोस्तों? तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट दोनों तीनों में। नेक्स्ट है, फुटबॉल के एक मैच में कितने खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट यानी बदले जा सकते हैं? तो 3 खिलाड़ी बदले जा सकते हैं गोलकीपर सहित। तो दोस्तों ये था फुटबॉल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फुटबॉल से रिलेटेड जो है आपके कप और ट्रॉफी भी याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। जैसे कि सीनियर पुरुष में संतोष ट्रॉफी जो 1941 से दिया जाता है, जूनियर पुरुष में डॉक्टर बीसी राव ट्रॉफी, सब जूनियर पुरुष में मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी, अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी में सुब्रतो कप, सीनियर महिला में बेगम हजरत महल ट्रॉफी, ठीक है, ये सब राष्ट्रीय ट्रॉफी है। और भारतीय अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय में आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, उसके अलावा है चकोला गोल्ड कप, मडेका कप, रोवर्स कप, नेहरू कप, अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप, कोपा कप, लाल बहादुर शास्त्री ट्रॉफी, डुरंड कप, राजीव गांधी गोल्ड कप, कलिंगा कप, सीजर्स कप, नागजी ट्रॉफी, विठल ट्रॉफी, टाट मेमोरियल ट्रॉफी, पैसिफिक ट्रॉफी, ये सभी के सभी आपके फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफी है, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, डाउट क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।